सबसे पहले अपने लाहौर का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे पता था कि लाहौर कभी मुझे मायूस नहीं करेगा, लेकिन जिस तरह का आज लाहौर ने मेरा इस्तकबाल किया, लाहौर मैं हमेशा आपके लिए दुआ करूंगा, क्योंकि आपने मुझे इतनी इज्जत दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आज इस टाइम पे शाहदरा पहुंचा था, लेकिन जिस तरह की आवाम सारा रास्ता सारे रास्ते जो हमारा उन्होंने इस्तेमाल किया, तो अभी हम आज अपना सफर इस्लामाबाद की तरफ आज खत्म कर रहे हैं इधर दादा साहब के, और कल इंशाल्लाह सुबह 11 बजे शाहदरा से हमारा सफर शुरू होगा इस्लामाबाद की तरफ। जो भी आप में से आना चाहते हैं हमारे साथ चल सकते हैं, नहीं तो जुमे को सारी कौम को मैं इस्लामाबाद बुला रहा हूं, आप उधर आ सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि ये ना कोई सियासत है, ना कोई ये आम सी तहरीक है, ये पाकिस्तान के लिए हकीकी आजादी की जहाद है। मैं आप सबको अपने सारे पाकिस्तानियों को और मैं रास्ते पर खास तौर पे जो मैंने फैमिलीज देखी, मैंने मैं अपने छोटे बच्चों को लेके निकली हुई थी सारे रास्ते, मैं उनका एक तो शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन दूसरा कि इससे किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के बनने के बाद ये सबसे बड़ा इंकलाब आ रहा है। ये वो इंकलाब है जो हकीकी तौर पे हमारे मुल्क को आजाद करेगा, बैरूनी कंट्रोल से बाहर बैठ के जो फैसले हमारे करते हुकूमतें जा देते हैं, अपने पिट्ठू बैठा देते हैं, चोरों को मुसलत कर देते हैं, जो उनकी गुलामी करते हैं उनके फूल पॉलिश करते हैं। हम कानूनी कंट्रोल से भी आजाद होना चाहते हैं, और मैंने चोर हमारे पर मुसलत किया इनसे भी आजाद होना चाहते हैं, और ये जो इनके इनके हैंगर्स हैं, इनके सहूलतकार हैं, जरूरी साजिश तब कामयाब होती है जब मुल्क के अंदर मीर जाफर और मीर सादे को अंग्रेजों ने जब हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की थी तो उनको अंदर से कतार मिले थे, कभी भी वो कामयाब ना होते अगर मीर जाफर और मीर सादे ना होते। अब हमारा मुकाबला वो सब लोगों के साथ है जो इस क्रप्ट चोरों के टोले को हमारे पर मुसलत कर रही है। हम उन सब का मुकाबला करेंगे, जो जो इदारे जो इलेक्शन कमीशन है पाकिस्तान का करप्ट आदमी, इखलाकी तौर पे भी करप्ट, पैसे भी करप्ट, एक बदनामदार आदमी जो इनकी मदद कर रहे हैं चोरों की, जो भी इनके साथ खड़ा होगा पाकिस्तान की आवाम का जो समुंदर आ रहा है इस्लामाबाद की तरफ, बैठे इनको हम आज मेरी सारी कौम मेरे साथ एक वादा कर रहे हैं, और वो ये कि जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह का वादा अल्लाह से करते हैं तो आपने किसी बुत के सामने नहीं झुकना,
चाहे वो खौफ का पुत हो, पैसे का पुत हो, ये जो पुत इंसानों को गुलाम बनाते, ये जो इन्होंने खौफ खौफ तारीख करके आजम आजम स्वाति के ऊपर तशद्दुद किया, जिस तरह के ये लोग हैं, आज सारी कौम फैसला कर ले कि हम कभी इस तरह का जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे आजम स्वाति हो, चाहे शबाज के लोग, चाहे हमारे साथी हो, और अशरफ शरीफ उसने जो कुर्बानी दी है अपने मुंह के लिए, राय हक पे खड़े होके हम सब वादा करें कि हम अशरफ शरीफ की कुर्बानी को जाया नहीं होने देंगे। और मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपके सामने कह रहा हूं कि ये जो ऊपर मुसलत किए चोर हमारे ऊपर, मैं इसलिए इनके खिलाफ जब तक जिंदा हूं जद्दोजहद करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि इससे बेहतर है कि हम मर जाए इनकी गुलामी करने के बजाय। इन चोरों की गुलामी से मौत बेहतर है। मैं आखिरी सांस तक इनका मुकाबला करूंगा और इनके सहूलतकारों का। आप भी मेरे साथ चल रहे हैं, बताएं आप मेरे साथ खड़े होंगे। अब ये आपने मेरे साथ ये हल्फ लेना, मैं यहां से पढ़ूंगा, आपने रिपीट करना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ खड़ा कर ले, हाथ खड़ा और आवाज़ें बुलंद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं कि पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे, हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ्फुज़ करेंगे कि हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे। हम पाकिस्तान के हकीकी आजादी इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के साथ जद्दोजहद करेंगे और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह हम सबका हावी और नासिर हो। आमीन।